बच्चों, चौथी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, चौथी कक्षा के पाठ्य पुस्तक के अनुसार या विषय सूची के अनुसार हमने विभिन्न पाठों का अध्ययन किया है, जैसे अभिवादन, पानी दे, घर, सच्चे मित्र, सिग्नल तथा आज हम पाठ क्रमांक 6 मेरी बगिया सीखने वाले हैं। बच्चों, हम अगर पहले जमाने को याद करेंगे तो पहले के जमाने में लोग ज्यादा मात्रा में गांव में ही रहते थे। गांव में अगर आप गांव का नजारा देखेंगे तो गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन खेत खलियान होते हैं, आस पड़ोस में बहुत सारी जगह होती है और वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए होते हैं और सुंदर बगिया का निर्माण किया जाता है। लेकिन शहरों की व्यवस्था अगर हम देखेंगे, शहरों का माहौल हम देखेंगे तो शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, जगह की कमी, छोटे छोटे घर, तो हम बगिया का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मेरी बगिया कमलेश तुली जी ने इस पाठ के माध्यम से छोटी सी जगह में भी हम बगिया का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, यह समझाने का कार्य किया है। तो बच्चों, हम भी इस पाठ के अनुसार हमारे घर में बगिया का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। इस पाठ में दो मुख्य किरदार दिए गए हैं। आपके जैसे ही समझदार बच्चे हैं वह दोनों भाई बहन हैं, ऋतिक और अंकिता, और दोनों भी अपने माता पिता की बात सुनते थे। समझदार, होशियार ऐसे बच्चे जो अपनी माता पिता की बात सुनते हैं, ऋतिक और अंकिता। तो उनके पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर बगिया थी। वो सोचते रहते, काश हमारे घर के पास में भी इतनी सुंदर बगिया होती। लेकिन क्या करते बेचारे, उनके घर के पास में जगह ही नहीं थी। तो आगे क्या होता है, हर रोज जब माँ भगवान की पूजा करती तो ऋतिक और अंकिता को पड़ोस की आंटी के पास भेज देती। आपकी माँ भी ऐसे करती होगी ना, अगर घर में चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है, या फूल आपको चाहिए पूजा के लिए, या पत्ते चाहिए, तो वह लाने के लिए पड़ोस की आंटी के यहाँ भेज देती है। तो ये इन दो बच्चों का काम भी ऐसे ही था, हर रोज पूजा के लिए फूल मांगने के लिए वो पड़ोस की आंटी के घर जाते। अब रोज रोज कोई अगर कुछ मांगने के लिए आता है तो फिर पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। तो पड़ोसी आंटी ने एक दिन उन्हें कह दिया कि बच्चों, रोज रोज बगिया में फूल कहाँ से आएंगे, दो चार फूल बचे हैं वह ले जाओ। दोनों भी उदास हो गए। उदास होना यानी नाराज होना। और दोनों भी सोचने लगे कि काश हमारे पास भी ऐसी बगिया होती। तो बैठे बैठे ही अचानक से दूरदर्शन पर यानी टीवी पर उन्होंने कार्यक्रम देखा। उस कार्यक्रम में पौधे किस प्रकार लगाए जाते हैं, छोटी जगह में किस प्रकार हम बगिया का, बगीचा का निर्माण कर सकते हैं, यह दर्शाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। तो देखो आगे क्या होता है, वह अपने माता पिता को बताते हैं कि हमने आज टीवी पर यह कार्यक्रम देखा। तो उन्होंने अपने माता पिता को गमले लाने के लिए कहे, देखो इस प्रकार होते हैं गमले, है ना, अगर हमें भी पौधे लगाने हो
तो हमारे माता पिता नर्सरी से गमले लेकर आते हैं ना। हाँ, तो गमले लेकर आए उनके माता पिता, ऋतिक और अंकिता के माता पिता गमले लेकर आए। उसके बाद उन्होंने माटी ली, माटी गमले में डाली, उसके बाद खाद भी डाली और जो भी फूलों के पौधे नर्सरी से लाए थे वह भी गमले में लगा दिए। तो इस प्रकार उन्होंने फूलों के पौधे को गमले में लगाकर उनकी देखरेख करनी शुरू कर दी, उनकी निगरानी करनी शुरू कर दी। देखो, हर रोज वो पौधों को पानी डालते, खाद डालते और इस प्रकार पौधे बड़े 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 होने लगे, उनमें फूल खिलने लगे और फूलों की खुशबू से पूरा घर उनका महक उठा और इतनी सुंदर बगिया देखने के लिए पड़ोस के आंटी अंकल भी आ गए और अंकल ने कहा, शाबाशी देते हुए कहा, सचमुच बच्चों, जहां चाह है वहां राह है। यानी अगर आपकी इच्छा हो तो आपको मार्ग मिल सकता है ना। अगर इच्छा होगी तो रास्ता अपने आप बन जाता है, इसलिए आपको प्रयास करना आवश्यक है। तो बच्चों देखो, बगिया का निर्माण आपको आपके घर में भी करना है। इस प्रकार आपको एक गमला लेना है, घर में अगर कोई सीड हो, पौधों के हो या सब्जी के भी अगर कोई बीज होंगे तो उन्हें आप लगा सकते हो। जैसे आपको मिट्टी और खाद एक साथ मिक्स करके गमले में डालनी है, उसमें बीज बोना है, पानी देना है और किस प्रकार वह अंकुरित होता है वह मुझे बताना है। तो आप अपने घर पर सुंदर बगिया का निर्माण करो। धन्यवाद बच्चों। हमने पाठ क्रमांक 6 मेरी बगिया, लेखक कमलेश तुली जी, इनका अध्ययन किया है। तो बच्चों, पन्ना नंबर 13 पर इस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय दिया गया है, वह भी हम हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित वाक्यों का घटना के अनुसार क्रम लगाओ। अब जिस प्रकार कहानी में घटनाएं प्रस्तुत की गई है उनके अनुसार हमें वाक्यों को क्रमबद्ध करना है। अब देखो, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वह क्रमबद्ध नहीं है, तो हमें इन्हें क्रमबद्ध करना है। देखो, घर फूलों की खुशबू से महक उठा, यह तो कहानी का अंतिम वाक्य है। गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। वे रोज पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। तो पहला वाक्य कौन सा आएगा? हमने कहानी सुनी है ना, सोचो। पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी, वाक्य क्रमांक 1। वाक्य क्रमांक 2, गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। वे रोज पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। और अंतिम वाक्य, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। तो इस प्रकार आपको यह प्रश्न हल करना है। किसने किससे कहा? Who said to whom? बेटा, रोज फूल कहाँ से आएंगे? तो आपको पता है किसने और किससे कहा? पड़ोस की आंटी ने ऋतिक और अंकिता से कहा। सचमुच, जहाँ चाह वहाँ राह। पड़ोस के अंकल ने ऋतिक और अंकिता से कहा।
प्रश्न क्रमांक 3, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वर्णन पूरा करो और पढ़ो। देखो यहाँ पर कौन कौन से चित्र है, गमला है, उसमें मिट्टी है, फिर गमले में बीज के अंकुर निकल पड़े हैं, उसके बाद छोटा सा पौधा बन गया, अब यह पौधा बड़ा हो गया है, उसमें कलियां आने की शुरुआत हो गई और फिर कलियों से बने फूल। चलो देखते हैं वाक्यों में क्या क्या दिया गया है। शाम ने गमले में मिट्टी डाली, मिट्टी में बीज यानी सीड्स बोए लगाए, गीता ने मिट्टी में पानी डाला, पानी की आवश्यकता होती है बीज को बढ़ने के लिए। कुछ दिन बाद बीज से अंकुर निकले, यह देखो अंकुर। धीरे धीरे अंकुरों ने पौधे का रूप लिया, ये देखो गमले में बन गया है पौधा। पौधे में कलियां निकली, छोटी छोटी कलियां यहाँ पर निकली है, उन कलियों के सुंदर फूल बने, ये देखो कितने सुंदर फूल है। फूल देखकर बच्चे खुश हो गए, हमने लगाए हुए पौधे को अगर फूल आते हैं तो हम कितना खुश होते हैं, है ना? तो आपको भी इस प्रकार पौधे लगाने हैं। प्रश्न क्रमांक 4, चौखट में लिखो, पाठ में आए नाम, कौन कौन से नाम है? ऋतिक और अंकिता। प्रश्न क्रमांक 5, तुमने देखे हुए बगीचे का वर्णन सुनाओ, तो आपको भी बगीचा देखना है और उसका वर्णन जब आप पाठशाला में आओगे तब मुझे बताना है, या आपने किस प्रकार बगिया का निर्माण अपने घर में किया इसका वर्णन भी आप कर सकते हो। धन्यवाद।